कहता है सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस वेयर वॉल्यूम 0.3 क्यूब मीटर है। अगर एक हमारे पास वॉल्यूम है, समझना ये वॉल्यूम है मतलब स्पेस है यहाँ पर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी इस रीजन में पोटेंशियल 5 वोल्ट है थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब क्या, इस पूरे रीजन में 5 वोल्ट की पोटेंशियल ऑलरेडी मेंशन है जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस रीजन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता हूँ तो चेंज इन जो पोटेंशियल आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि पोटेंशियल इस रीजन में तो कांस्टेंट है जो रीजन बनाया गया, जो वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है इसमें कांस्टेंट है। तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, क्या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? अब जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, अब देखो अगर पोटेंशियल ई इज इक्वल टू माइनस डीवी ओवर डीआर वाला फार्मूला पढ़े होगे, ये वाला माइनस डीवी ओवर डीआर। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस डीवी ओवर डीआर और अगर 5 वोल्ट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा जीरो। तो इस रीजन में जो पोटेंशियल आएगा वो हमें आ जाएगा जीरो। दैट इज फोर्थ ऑप्शन सही है।